नमस्कार दर्शकों, मृणाल की बैठक कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुरुआत हम करते हैं सबसे बड़ी चुनौती से जो इस वक्त पूरी दुनिया झेल रही है, और वो चुनौती है कोरोना वायरस की, जिसे कोविड-19 का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है। अब तक जितना भी ठोस काम इस दिशा में हुआ है वो वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने और उनकी चिकित्सकीय टीमों ने किया है, जिसमें कि नर्स से लेकर वार्ड बॉयज तक सब शुमार हैं। बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया है, जान को जोखिम में डाल करके किया है, और उससे मोटा मोटी कई सी बातें इस नए वायरस के बारे में पता चली हैं। वैज्ञानिक लोग अभी तरीका तलाश रहे हैं कि इसका टीका विकसित किया जा सके, पर बताया गया इसमें समय लगता है और 1 से 1.5 बरस का समय लग सकता है। बहरहाल, जहाँ एक तरफ वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई जानी चाहिए, दूसरी तरफ अवैज्ञानिक दावे करने वालों को भी लगातार झुठलाया जाना चाहिए, क्योंकि झूठी गलत जानकारियों से जनता को इस समय बहुत नुकसान हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि देश के 500 चोटी के वैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों से भी जुड़े हैं और यूनिवर्सिटीज से भी जुड़े हैं, उन्होंने PMO को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि कई तरह की भ्रांतियां जो जनता के बीच में गोमूत्र और गोबर से कोरोना वायरस की रोकथाम की बाबत फैलाई जा रही हैं, उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण इस बात का नहीं है कि गोरस से, गोमूत्र से, गोमूत्र के छिड़काव से, गोमूत्र से हाथ धोने से या गोबर का प्रयोग करने से वायरस रुकता है, बल्कि इससे और कई तरह की बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। ये वक्त नहीं है जबकि जनता के जीवन से धर्म या अंधविश्वास के नाम पर खिलवाड़ की जाए। ये एक अच्छी बात है कि कोरोना निरोधी ताबीज़ बांटने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो लोग भी उतने ही दोषी हैं जो लगातार TV पर आकर के गौमूत्र सभाओं का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, भक्त लोग पीते हुए दिख रहे हैं। ये याद रखना चाहिए कि इस देश में लाखों अनपढ़ लोग हैं जो इन सब बातों पर आँख मूंद के विश्वास करते हैं। इस वक्त उनको वैज्ञानिक जानकारी और वैज्ञानिक मदद मुहैया कराना सबसे बड़ा कर्तव्य है। उम्मीद है सरकार वैज्ञानिकों की इस बात को कान देगी और इसका उपाय करेगी, और आयुष मंत्रालय को भी विशेष निर्देश दिए जाएंगे कि जिन तत्वों का कोई वैज्ञानिक या विज्ञान सम्मत आधार न हो, उनको लोगों के बीच में प्रचार न किया जाए। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। ये ज़रा संगीन बात थी पहली वाली, ये थोड़ी सी मस्खरी की बात है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यह कहा कि गवर्नरों के कोई काम नहीं होते, राजभवन में बैठ के या तो वो दारू पीते हैं और या गोल्फ खेलते हैं। ये थोड़ी अतिशयोक्ति तो हो सकती है, लेकिन इसमें शक नहीं कि अंग्रेज़ों के शासनकाल के अंतिम चिन्ह हमारे राज्यों के राजभवन हैं। बड़े बड़े हाथों वाले, तमाम तरह की सुख सुविधाओं से लैस, वहाँ पर अक्सर रिटायर्ड ऐसे लोगों को भेजा जाता है जिनसे सरकार उपकृत हुई है या जिन्होंने कोई विशेष काम निभाए हैं। बहुत कम इस तरह के गवर्नर देखने में आए हैं जिन्होंने अपनी विद्या बुद्धि और अपनी लोगों के बीच में छवि और शैली की वजह से स्थान अर्जित किया हो। इन राजभवनों के रखरखाव पर, उनमें अवगत पर ढेरों पैसा खर्च होता है, और कई सालों से एक ये नई रवायत चल पड़ी है कि सरकारें विपक्ष शासित प्रदेशों में अपनी पसंद के राज्यपालों को नियुक्त करती हैं और फिर वो तरह तरह से शह देते रहते हैं, मौजूदा सरकारों को गिराने के तरह तरह की योजनाएं बनती हैं। और चूंकि राज्यपाल के पास असीमित अधिकार होते हैं, इसलिए कई बार उनका दुष्प्रयोग भी होता है। इसलिए गवर्नर के ओहदे को थोड़ा गौर से देखा जाना चाहिए, और आज के समय में जब उपनिवेशवादी शासन नहीं है, उसमें जो भी संशोधन करना हो तुरंत किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं एक रोचक प्रसंग पर। अभी संसद में राहुल गांधी ने, जो कि अपनी सपाट बयानी के लिए और फ्रैंकनेस के लिए विख्यात हैं, ये कहा कि सरकार को यस बैंक के मामले में, यस बैंक को लूटने वाले और उसके एसेट्स को लेकर के कर्जा वापस न करने वाले जो लोग हैं, उनकी सिर्फ संख्या ही नहीं, नाम भी अपनी लाइन पर, अपनी ऑनलाइन जानकारियों में पोस्ट करनी चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चले कि देश के कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे को लूटा है। यस बैंक में अधिकतर खाताधारक सामान्य कमाई वाले लोग हैं, जिनमें दिहाड़ी लगाने वालों से लेकर के और तनखैया लोगों तक बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन चंद बड़े लोगों ने अपनी पॉलिटिकल या अन्य प्रकार की
संसाधनों का सहारा लेकर के बड़ी बड़ी रकमें उगाहीं और फिर उसको चुकाया नहीं। तो अब ये सुनकर के ज़रा आश्वस्ति होती है कि ईडी ने नोटिस भेजा है। यस बैंक में जिन बड़े बड़े लोगों का नाम है उसमें से अनिल अंबानी का नाम सुना जाता है, उसमें जेट एयरवेज के नरेश गोयल का नाम भी शामिल है और जी टीवी के सुश्री सुभाष चंद्रा का भी नाम शामिल है। अब आशा है कि इन मामलों पर सुनवाई होगी और अगर ये लोग दोषी पाए गए तो देश के कानून के तहत जो भी कार्रवाई जायज़ बनती है वो की जाएगी। अब हम आते हैं एक मसले पर जिसने कल से सारे देश को मथ दिया है। वो है पूर्व सेवानिवृत्त भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री गोगोई को राज्यसभा की सदस्यता देने का मामला। अमूमन ये माना जाता है कि न्यायपालिका का प्रमुख अपने अवकाश प्राप्त करने के बाद अपनी पद की गरिमा और अपनी कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का ऐसा ओहदा या पद स्वीकार नहीं करेगा जिससे उसकी निष्ठा पर आंच आती हो या सवाल खड़े होते हो। अब चूंकि न्यायपालिका के प्रमुख रह चुके हैं श्री गोगोई, उम्मीद ये की जाती थी कि सेवानिवृत्ति के बाद वो कोई ओहदा एकदम नहीं लेंगे, पर अभी वो नवंबर में रिटायर हुए और 4 महीने के बाद ही राज्यसभा में उनको राष्ट्रपति जी ने नामित कर दिया है। ठीक है, उनका कद बहुत बड़ा है और वो बड़े नामधारी लीगल ईगल माने जाते हैं, उनको अपने धंधे में अपने पेशे में बहुत गहराई से जानकारी है, लेकिन लोगों को ये अचंभा हुआ क्योंकि 2018 में 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जिसमें स्वयं श्री गोगोई भी शामिल थे, पहली बार भारत के आज़ाद भारत के इतिहास में एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने प्रेस के सामने ये कहा था कि मुख्य न्यायाधीश का पद जो है इसकी प्रतिष्ठा और गरिमा बनी रहनी चाहिए और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो वहाँ के थे उनके बारे में उन्होंने उनकी विश्वसनीयता के बारे में कुछ तीखे जायज सवाल उठाए थे। इससे उम्मीद ये बनती थी कि इस पद की गरिमा को बहाल करने के लिए श्री गोगोई, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सीजर्स वाइफ शुड बी सीन नॉट टू बी क्लीन बट ऑल्सो शुड बी बिहेविंग एज दो शी इज क्लीन, तो सीजर की पत्नी यानी कि किसी भी बड़े ओहदेदार को जनता की आंखों में बहुत ही असंदिग्ध दिखना पड़ता है, ये एक अनिवार्यता है। अब अगर वो ये ओहदा ले लेते हैं जिसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने कहा है कि शपथ लेने के बाद मैं मुंह खोलूंगा और बताऊंगा कि ये ओहदा मैंने क्यों स्वीकार किया। कई लोगों ने यह भी कहा कि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस हिदायतुल्ला, 2 और नाम हैं मुख्य भारत के मुख्य न्यायाधीशों के जिन्होंने की रिटायरमेंट के बाद गवर्नरी स्वीकार की थी, लेकिन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का अपॉइंटमेंट जैसा कहा जा रहा है कांग्रेस ने नहीं किया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान किया गया था और जस्टिस हिदायतुल्ला का सारे दलों की सर्वसम्मति से हुआ था। इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है कि सरकारें किस व्यक्ति को नामित करती हैं और इस पद पर ओहदा देती हैं, लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि इन मामलों पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से परहेज नहीं होना चाहिए क्योंकि चर्चा ही हमारे लोकतंत्र की जान है। ये बात बहुत तरह से कही जा चुकी है कि जब जनता सब तरफ से परेशान और हार जाती है तो न्यायपालिका में ही उसकी आस्था उसकी उम्मीद को जिलाए रखती है। अगर न्यायपालिका अपने ऊपर लगने वाले हर सवाल का वाजिब जवाब नहीं देती तो जनता फिर कहाँ जाए। इस सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ते हैं, फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।